नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के संबंध में लगातार फरमान जारी कर रही है। अब शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट यानी कि निष्ठा प्रशिक्षित शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी जिलों से इससे संबंधित ब्यौरा मांगा है। आपको बता दें कि बीईपी और एससीईआरटी संयुक्त रूप से एनसीईआरटी के दिशा निर्देश पर सभी नियोजित शिक्षकों को निष्ठा की ट्रेनिंग दे रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद ने इस ट्रेनिंग के लिए 18 मॉड्यूल विकसित किए हैं और यह पूरी ट्रेनिंग 15 दिनों के लिए निर्धारित की गई है। गुणवत्ता शिक्षा और आधुनिक शिक्षण प्रविधियों की समझ विकसित करने और शिक्षकों में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 2019 में निष्ठा ट्रेनिंग की लॉन्चिंग की थी। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार को 3.79 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया था। बताया जा रहा है कि वर्ष 2019 में ही राज्य के 1.48 लाख शिक्षक निष्ठा प्रशिक्षित हो गए थे। इसके लिए एससीईआरटी और बीईपी ने आरंभ में ही बड़ी संख्या में मास्टर ट्रेनर तैयार किए थे। आपको बता दें कि हाल ही में एससीईआरटी के निदेशक गिरवर दयाल सिंह ने भी सभी जिलों के डीयू से निष्ठा प्रशिक्षण को लेकर लक्ष्य किए गए शिक्षकों का आंकड़ा मांगा था। बीपी से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में ही 2.30 लाख शेष बचे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। अक्टूबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक तकरीबन 2 लाख और शिक्षक निष्ठा प्रशिक्षित हो चुके हैं। शेष करीब 30,000 शिक्षकों की ट्रेनिंग बाकी रह गई थी। 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2021 के बीच ट्रेनिंग को लेकर अंतिम बैच चलाया गया था, लेकिन फिलहाल उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं मिल पाई है। मंगलवार को भी बीईपी की ओर से गूगल मीट के जरिए मिली जानकारी की समीक्षा की गई। बहुत सारे शिक्षकों के पुनः प्रशिक्षण लेने की जानकारी भी मिल रही है। ऐसे में निष्ठा से अप्रशिक्षित रह गए शिक्षकों का वास्तविक आंकड़ा आना अब भी बाकी है। आपको बता दें कि इससे पहले राज्य में साल 2006 से 2015 के बीच से नियोजित हुए शिक्षकों को उनके प्रमाण पत्रों को साझा करने के लिए कहा गया था। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के साथ साथ उनके वेतन की भी वसूली की प्रक्रिया शुरू करने के मूड में है। दरअसल हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच के मामले में सख्ती बरती है। शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिया है कि नियोजित शिक्षक अपना प्रमाण पत्र खुद पोर्टल पर अपलोड करें, लेकिन अब तक 1 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने ऐसा नहीं किया है। प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों को लेकर विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा था कि ऐसे करीब 1,03,000 शिक्षकों की सूची पोर्टल पर जारी की जाएगी जिनके प्रमाण पत्र की जाँच नहीं हो पाई है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा जिला, प्रखंड एवं नियोजन इकाई के स्तर पर शिक्षकों की सूची अपलोड की जाएगी। साथ ही साथ इन सभी को एक तय सीमा के अंदर आवश्यक प्रमाण पत्र और नियोजन पत्र को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। अगर शिक्षकों ने यह काम नहीं किया तो उनकी सेवा समाप्त करने के साथ ही साथ वेतन वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।